आप लोगों को क्लास में पढ़ाई पर ध्यान देना है, एकेडमिक पर ध्यान देना है, ठीक है। अभी तक जो अव्यवस्था चल रही थी, आपका प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी, बच्चे इधर से उधर आना जाना, तो आज से क्या है, सभी को क्लास में ही बैठना है, अपने क्लास से नहीं जाना है बिना परमिशन के, इधर उधर दौड़ते हो आप, ठीक है। वो अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आपने जैसे प्रोग्राम में उत्साह दिखाया, बड़े जोश से होता है उसमें आपके लिए काफ़ी अच्छा जोश रहता है, उत्साह के साथ आपने जो कार्यक्रम किया, इसी तरह आपको अपनी पढ़ाई पर दिखाना है, ठीक है। एग्जाम आने वाले हैं 1 मार्च से, लगभग 1 से 5 के बीच में एग्जाम आपके फाइनल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको अब पढ़ाई में वो उत्साह आपने जो कल्चरल प्रोग्राम में आपने दिखाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो आपने उत्साह दिखाया, वह उत्साह आपको अपनी पढ़ाई पर दिखाना है, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय है, फरवरी का केवल, ठीक है। उसमें भी 28 दिन होते हैं, ज़्यादा 2-3 दिन उसमें भी कम रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास 1 महीने का समय है, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जिस क्लास में थोड़ा बहुत रह गया हो वो कंप्लीट कराएं टीचर सभी में, और रिवीजन सभी सब्जेक्ट का चले, ठीक है। सभी की फेयर कंप्लीट होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे की अब पूरा चेक होगा, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फेयर पर कंप्लीट सभी की, ठीक है, मैं चेक करूँगा, ध्यान रखना, इसलिए किसी की अभी नहीं हो पाई हो तो वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। 1 तारीख तक सभी की कंप्लीट हो जाना चाहिए, और थोड़ा अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। आप प्रोग्राम में काफ़ी उत्साह दिखाते हो, लेकिन यहाँ अनुशासन की बहुत बड़ी कमी रहती है। इसमें क्या क्या कमी है, क्या कारण है कि अनुशासन में आप लोगों को क्यों अभी इतना, आपको कई बार बता भी दिया है और फिर भी आप नहीं इसमें, चाहे वो प्रोग्राम हो रहा हो उस समय की बात हो, चाहे आप आते हो उससे पहले, प्रेयर से पहले ही आप आओगे तो भागते दौड़ते रहते हो, टीचर भी खड़े हैं, बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, ये भी नहीं कहाँ पैर रख रहे हैं, गद्दे सोए पर थे, धूल उसमें घूम रहे हो गद्दों पे पैर, ये ठीक है।